Hello, everyone. I am Shanky Kothari, faculty, Indian Economy. Uh, welcome to our sixth lecture on fiscal policy, budget, and taxation. Uh, in the previous parts, we have had a detailed look on receipts, amdani, and expenditure. That is In this lecture, we would be looking at the concept of deficits. Uh, आम भाषा में आम हिंदी में हम डेफिसिट को जो समझते हैं वो है घाटा जैसे यू माइट हैव हर्ड द टर्म फिजकल डेफिसिट ऑन इन एन इन हिंदी न्यूज़ चैनल हिंदी न्यूज़पेपर, यू माइट हैव हर्ड दिस टर्म वित्तीय घाटा तो ये सिर्फ़ एक प्रकार का घाटा है जो कि हम न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स में पढ़ते हैं देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स फॉर आर syllabus to be understood first a general definition deficit is a situation where your expenditure are high but your earning is low this gap between high expenditure and low income is known as deficit one by one we will be looking at the various types of deficit first is budgetary deficit what is budgetary deficit a plain formula is there it is the simple and easiest to understand it is the difference between total expenditure of government and total receipts of government take a pause and work for yourself what might be the budgetary deficit of government of india total expenditure i hope you remember 26 lakh crores

रेवेन्यू डेफिसिट की तो रेवेन्यू के खर्चे और रेवेन्यू से होने वाली आमदनी दैट इज रेवेन्यू रसीट्स के बीच का डिफरेंस क्या होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भारत का है 26 लाख ,00 करोड़ और रेवेन्यू रिसट्स मतलब रेवेन्यू से होने वाली आमदनी इज 20 लाख ,00 करोड़ 26 माइनस ट्वेंटी मतलब 6 लाख ,00 करोड़ मतलब रेवेन्यू से होने वाली आमदनी जो कि 20 लाख ,00 ,00 करोड़ है उससे 6 लाख करोड़ ज़्यादा दैट इज छब्बीस लाख करोड़ सरकार खर्चा कर रही है इसलिए जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो है छह लाख करोड़ एब्सोल्यूट फिगर में याद रखना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जो चीज महत्वपूर्ण है वो है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी यू शुड बी अवेयर कि जीडीपी का कितना परसेंट भारत का रेवेन्यू डेफिसिट है अगर एप्सोल्यूट फिगर्स आई हैव रिपीटेड नाउ हंड्रेड टाइम्स तो अगर एप्सोल्यूट फिगर्स याद हैं भारत की जी पता है तो यू कैन यूर कैलकुलेट परसेंटेज जैसे भारत की जी एक राउंड फिगर में आप याद रख लीजिए ढाई लाख ढाई सौ लाख करोड़ है रेवेन्यू डेफिसिट छः लाख करोड़ है तो ढाई सौ लाख और छः लाख करोड़ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मतलब ये छः लाख करोड़ ढाई सौ लाख करोड़ का लगभग ढाई परसेंट राउंड फिगर में आएगा सो so, वी कैन से भारत का रेवेन्यू डेफिसिट इज अबाउट 2.5 परसेंट ऑफ जीडीपी ठीक नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट अभी रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है सी uh, जो सेंट्रल uh, गवर्नमेंट है उसका चूंकि रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ता हुआ नजर आ रहा था पहले पिछले साल लगभग चार लाख करोड़ फिर पांच लाख करोड़ और अब छह लाख करोड़ इससे सेंट्रल गवर्नमेंट हैज वन ऑब्जेक्शन कि ये फिगर दिखता कुछ है कि छः लाख करोड़ का हम रेवेन्यू घाटा रन कर रहे हैं लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और है उसका कारण यह है कि इस जो छः लाख करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट है इसमें से लगभग दो लाख करोड़ तो राज्य सरकारों को दिया गया ग्रांट है चूँकि राज्य सरकारों को जो ग्रांट दिया गया है अगर वो उससे कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं मतलब उससे नया पुल नया ब्रिज नई फैक्ट्री बना रहे हैं तब तो इस खर्चे को इस दो लाख करोड़ को केंद्र सरकार के रेवेन्यू डेफिसिट में जोड़ना एक गलत पिक्चर प्रेजेंट करेगा दैट्स वाई एक नया टर्म प्रणब मुखर्जी हु वॉज देन फाइनेंस मिनिस्टर इन टू थाउजेंड ट्वेल्व बॉड वॉज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट अंडर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ही गेव द आइडिया कि जो भी रेवेन्यू डेफिसिट है जैसे इस साल में छह लाख करोड़ इसमें से आप माइनस कर दीजिए वो ग्रांट जो हमने राज्यों को दिए है फॉर कैपिटल क्रिएशन जैसे इस साल के लिए दो लाख ,00 करोड़ तो छः लाख माइनस ग्रांट्स गिवन टू स्टेट्स फॉर कैपिटल क्रिएशन दैट इज टू लाख करोड़ मतलब इफेक्टिवली रेवेन्यू डेफिसिट है चार लाख ,00 करोड़ अगेन ये दो लाख ,00 करोड़ क्यों माइनस करा क्योंकि ये रेवेन्यू के खर्चे नहीं है राज्यों के ये राज्य दो लाख ,00 करोड़ जो केंद्र द्वारा दिया गया है इससे कैपिटल क्रिएट कर रहे हैं दैट्स वाई इसका रेवेन्यू डेफिसिट में जुड़ा जाना और दर्शाया जाना एक रॉन्ग पिक्चर प्रेजेंट कर रहा था दैट्स वाई वी हैव इंक्लूडेड इट इन इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट तो रेवेन्यू डेफिसिट तो छः लाख करोड़ है लेकिन इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एज पर डेफिनेशन इज रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट्स गिवन टू स्टेट फॉर कैपिटल क्रिएशन दैट इज सिक्स माइनस दिस ईज बजट टू दैट इज फोर लाख करोड़ अगेन एज अर्सेंटेज ऑफ जी डी पी आप इसे, अब निकाल सकते हैं अगर ढाई सौ लाख करोड़ की जी डी पी है एंड ऑफ लेक्चर बट कीप पॉजिंग एंड वर्किंग इट आउट एंड कीप फिलिंग द ब्लैंक्स एज दे अपियर ऑन द स्क्रीन फाइन मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीड बी लुकिंग एट इज फिजिकल डेफिसिट अब बजट डेफिसिट ज़ीरो आ गया ये एक बहुत अच्छी पिक्चर नहीं प्रेजेंट कर रहा है क्यों क्योंकि इससे आम जनता मीडिया रिसर्चर्स कुछ भी पता नहीं लगा पा रहे हैं कि सरकार की जो खर्चे ज़्यादा हैं एज़ कंपेयर्ड टू इट्स आमदनी तो ये खर्चे कितने ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू इट्स इनकम दैट्स वाई 1997 कमिटी वॉज स्टैब्लिश्ड सुखोमय चक्रबर्ती कमिटी प्लीज नोट इट डाउन इट इज़ नॉट ऑन द स्लाइड्स रनिंग सुखोमय चक्रबर्ती कमिटी रिपोर्ट इट्स सेट दैट गवर्नमेंट शुड कम आउट विद द आइडिया ऑफ फिजिकल डेफिजिट फिजिकल डेफिजिट क्या है खर्चे जो आपके ज़्यादा हैं और आमदनी जो आपकी कम है इन दोनों के बीच के आप खाई कैसे बाटेंगे खर्चे आपके सौ रुपए और आमदनी सत्तर रुपये ऐसा कैसे हो सकता है कि खर्चे सौ रुपये और आमदनी सत्तर रुपये ऐसा हो सकता है अगर जो तीस रुपया का गैप है या आप कहीं से उधारी लेकर इस साल लाए हैं और इसने आप इसको आपने आपकी आमदनी में जोड़ दिया दैट्स इट ये जो उधारी लाई जाती है टू फिल अप द एक्सेस एक्सपेंडिचर जो हो रहे हैं इट इज़ नोन एज फिजकल डेफिसिट तो द बोरविंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट आर नोन एज फिजल वापस से हमारे फिगर्स को याद करते हैं थोड़ा सरकार का टोटल खर्चा है तीस लाख करोड़ फाइन सरकार की आमदनी बिना उधारी लाए कितनी है रेवेन्यू रसीड से आमदनी बीस लाख करोड़ फिर हमने देखा था कि देर इज नॉन डेट कैपिटल रसीट्स कैपिटल रसीड्स के दो हिस्से एक उधारी लाकर और एक बिना उधारी लाए या एक लाइबिलिटी क्रिएट करके और एक बिना लाइबिलिटी क्रिएट करके तो जो बिना लाइबिलिटी क्रिएट करके कमाई है वो अनुमानित है लगभग दो लाख करोड़ राउंड फिगर में तो बीस लाख करोड़ टैक्स रिसीट्स आ गई रेवेन्यू रिसीट्स आ गई दो लाख करोड़ अपने डिस से नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रसीद से आमदनी हुई मतलब बाईस लाख करोड़ बस अब जरिए समाप्त आमदनी के लेकिन खर्चे कितने अनुमानित है तीस लाख करोड़ तो डिफरेंस कितना बच गया बाईस लाख करोड़ की आमदनी खर्चे अनुमानित तीस लाख करोड़ द डिफरेंस इज एट लाख करोड़ ये एट लाख ,00 करोड़ वुड बी रेज्ड एज इधर बोरोइंग्स और वुड बी यूटिलाइज फ्रॉम अदर लाइबिलिटीज़ अदर लाइबिलिटीज़ हमने देखा है प्रोविडेंट फंड जनता का डाकघर के सेविंग्स अकाउंट में जमा पैसा और हमने एक्चुअल फिगर देखा था कि आठ लाख ,00 करोड़ कुल मिलाकर सरकार की डेट कैपिटल रिसीट्स आ रही थी कैसे साढ़े पांच लाख करोड़ की उधारियां और ढाई लाख ,00 करोड़ के आसपास की अदर लाइबिलिटीज तो आठ लाख ,00 करोड़ इज द डेट ऑफ गवर्नमेंट जिससे कि वो अपने अत्याधिक खर्चे पूरे कर पा रही है जो कि आमदनी से शॉर्टफॉल हो रहा था दिस इज नथिंग बट फिजकल डिफिसिट एट लाख करोड़ इज द फिजकल डिफिसिट ऑफ गवर्नमेंट मतलब इसको फार्मूले में कैसे उतारें तो यू कैन सी द फार्मूला ऑन योर स्क्रीन टोटल एक्सपेंडिचर माइनस आपको सिर्फ जो ऐसी रसीड्स हैं जो कि उधारियां क्रिएट नहीं कर रही है वो इंक्लूड करना है तो नॉन डेट क्रिएटिंग रसीड्स ये दो हैं एक तो रेवेन्यू रसीड्स जो वापस किसी को नहीं चुकाना है बीस लाख करोड़ और कैपिटल रसीड्स में नॉन डेट क्रिएटिंग रसीड्स जो कि दो लाख करोड़ तो थर्टी माइनस क्योंकि आपके खर्चे थर्टी हैं टोटल एक्सपेंडिचर थर्टी माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग रसीड्स दैट इज ट्वेंटी फ्रॉम रेवेन्यू रिसीड्स एंड टू फ्रॉम नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रसीड्स बाईस तो तीस माइनस बाईस आठ लाख करोड़ मतलब आठ लाख करोड़ का क्या करना पड़ेगा उधारी लेनी पड़ेगी दिस इज नथिंग बट आर फिजकल डेफिसिट प्लीज पॉज द वीडियो एंड हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन रिगार्डिंग द फॉर्मूला ऑफ फिजिकल डेफिसिट आठ लाख करोड़ एज अ परसेंटेज ऑफ इंडियाजीडीपी कैलकुलेट फॉर योर सेल्फ इन द एंड आई वुड बी गिविंग अ ट्रेंड चार्टेंटेज टर्म्स में फॉर नाउ कैलकुलेट ढाई सौ लाख करोड़ का आठ लाख करोड़ मतलब आठ लाख करोड़ ढाई सौ लाख करोड़ का कितना परसेंटेज होता है पॉज द वीडियो एंड हैव अ लुक एट इट फाइन मूविंग फॉरवर्ड प्राइमरी डेफिजिट फाइन मूविंग फॉरवर्ड प्राइमरी डिफिजिट सी इन फिजिकल डिफिजिट वी हैव सीन कि लगभग आठ लाख करोड़ के सरकार के खर्चे ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू इट्स नॉन डेट इनकम इसलिए आठ लाख करोड़ की उधारियाँ उठानी पड़ी लेकिन इस आठ लाख करोड़ को अगर तोड़कर देखें कि किन बातों पे खर्चे ज़्यादा थे तो यू विल फाइंड कि एक बड़ा खर्चा था सरकार का वॉज इंटरेस्ट रीपेमेंट हमने देखा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर सबसे सिंगल मोस्ट लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज इज इंटरेस्ट रीपेमेंट लगभग सात लाख करोड़ का और जो ब्याज चुकाना पड़ रहा है सात लाख करोड़ का यह सरकार का इस साल का फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट नहीं है ये इंटरेस्ट पिछले सालों में किए गए फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के दौरान ली गई उधारी का इंटरेस्ट है तो अगर ये पता करना हो कि इस साल गवर्नमेंट ने अपने फाइनेंसेस किस अच्छाई से या किस खामी से मैनेज करे तो वी विल नीड टू रिड्यूस दिस एक्सपेंडिचर फ्रॉम आर फिजिकल डेफिसिट आठ लाख करोड़ का फिजिकल डेफिसिट है इसमें से सात लाख ,00 करोड़ जो कि इंटरेस्ट री पेमेंट की कॉस्ट है जो कि पिछली उधारियों के कारण बियर करना पड़ रहा है वो माइनस कर दीजिए तो यू विल गेट वन लाख करोड़ मतलब इस साल अगर देखा जाए तो सरकार ने अपने खर्चे अपनी आमदनी से मात्र एक लाख करोड़ रुपए ज़्यादा रखे हैं जो सात लाख करोड़ रुपए ब्याज पे करना पड़ रहा है वो इस साल का फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट नहीं है वो पिछले सालों में किए गए पाप हैं फाइन सो वी हैव अ टर्म फॉर दिस नोन एज प्राइमरी डेफिसिट इट इज़ नथिंग बट फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट रीपेड आठ लाख करोड़ का फिस्कल डेफिसिट इसमें से माइनस सेवन कर दीजिए दैट इज इंटरेस्ट रीपेमेंट का दैट इज वन लाख करोड़ फाइंड आउट इट एज अ परसेंटेज ऑफ जी डी पी जी डी पी ढाई सौ लाख करोड़ है तो एक लाख करोड़ ढाई सौ लाख करोड़ का कितना होगा फाइन मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट इज मोनिटाइज डेफिसिट नाउ आमतौर पर सरकार को जब भी अपने खर्चे अत्याधिक लगते हैं एज़ कम्पेयर टू अपनी आमदनी खर्चे यहाँ आमदनी यहाँ तो जो गैप है सरकार कैसे फुल करती है यू माइट बी थिंकिंग कि सरकार नया नोट छापती होगी और ये गैप पूरा कर लेगी आर से बोलकर नो no. अगर इस तरीके से नई करेंसी सरकार छापती गई तब महंगाई के बढ़ने की संभावना रहती है कैसे इसे हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे आमतौर पर जब सरकार के खर्चे ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू इट्स इनकम तो ये जो गैप फुलफिल करना है गवर्नमेंट विल फुलफिल दिस गैप बाय गोइंग टू मार्केट गवर्नमेंट विल गो टू मार्केट एंड रेज बॉरिंग सरकार उधार ही उठाएगी कैसे गवर्नमेंट हमने देखा है कुछ टूल जैसे गवर्नमेंट विल इशू प्राइमरीली टू टूल्स वन इज़ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सरकार एक कागज़ का टुकड़ा लिख कर देगी कि हम इनसे एक करोड़ रुपए उधार ले रहे हैं दस साल बाद एक करोड़ दस लाख रुपए रीपे बैक करेंगे ये ही जो प्रॉमिस टू पे बैक है सरकार जो उधारी उठा रही है कागज़ के टुकड़े को साइन करके दे रही है इट इज़ नोन एज गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ऐसे ही हमने एक और टूल देखा है ट्रेजरी बिल कि जब एक साल से कम की उधारी सरकार को उठानी हो इट इशूज द ट्रेजरी बिल्स नाउ वट हैपन्स कि नॉर्मल ईयर्स में तो सरकार इस तरीके से उधारियाँ उठाती है मार्केट में जाकर बैंक से आपसे और मुझसे और अपने जो गैप है खर्चे और आमदनी के बीच की उसे फिलअप कर लेती है लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हराइज हो जाए कि नोबडी इज़ रेडी टू लेंड टू गवर्नमेंट लोगों के पास ही पैसा नहीं है या लोगों का सरकार पे विश्वास नहीं है कि दे विल बी एबल टू रीपे बैक आफ्टर वन ईयर आफ्टर टेन ईयर्स एंड गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू मैच दिस एक्सपेंडिचर एंड इट्स इनकम तो बोरविंग नहीं उठा पा रही है मार्केट से ऐसी स्थिति में हो सकता है कि सरकार आर से नए नोट्स प्रिंट करने का बोले जब इस तरीके से नया पैसा छाप कर अपना फिजिकल डेफिसिट अपनी बोरोइंग सरकार उधार उठाती है इसी चीज़ को हम बोलते हैं मोनिटाइज डेफिसिट आमतौर पर इन नॉर्मल ईयर्स इंडिया डज़ नॉट फेसेस दिस मोनिटाइज डेफिसिट क्योंकि सरकार के प्रति जनता का विश्वास है मार्केट्स का विश्वास है सरकार मार्केट में जाकर उधारियाँ उठा लेती है और उसकी अपनी भरपाई कर लेती है लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए कि मार्केट्स आर नॉट रेडी टू लेंड टू गवर्नमेंट देन गवर्नमेंट कैन मोनिटाइज इट्स डेफिसिट बाय प्रिंटिंग फ्रेश करेंसी लेकिन इसका एक लॉस होगा वो है इन्फ्लेशन की महंगाई बढ़ जाएगी क्योंकि मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी इस पर और डिटेल में बाद में कंसिडरिंग द लेटेस्ट सिचुएशन ऑफ कोरोना वायरस नाउ बैंक्स आर अंडर प्रेशर बिजनेस आर नॉट रनिंग गवर्नमेंट इज़ नॉट एबल टू कलेक्ट टैक्सेस, कुल मिलाकर सरकार के पास अपना फिस्कल डेफिसिट उधारी लेकर पूरा करने की संभावना थोड़ी मुश्किल में नजर आ रही है ऐसी सिचुएशन में देर आर वेरियस एनालिस्ट कई सारे विचारक हैं जो ये कह रहे हैं कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व सिचुएशन है जहाँ पर गवर्नमेंट विल नॉट बी एबल टू रेज बॉरविंग्स फ्राम मार्केट इसीलिए हमें इस साल अपने डेफिसिट को मोनिटाइज़ करने की ज़रूरत है फ्रेश करेंसी प्रिंट करने की ज़रूरत है ताकि सरकार अत्यधिक खर्चे जारी रख सके तो वी गवर्नमेंट हैज़ नॉट येट टेकन डिसीजन कि वेदर इट विल मोनिटाइज इट्स डेफिसिट और नॉट बट दिज आर वेरियस सजेशंस फ्रॉम डिफरेंट एनालिस इन दिस ईयर वी नीड टू मोनिटाइज आर डेफिसिट्स इंडिया जनरली डज नाट मोनिटाइज इट्स डेफिसिट fine, so on the screen if you can see now, uh, there are two set of images we have taken from Press Information Bureau, Government of India, jahan par they have given a trend of deficits of the past year ke पिछले kuch saalon mein bharat mein deficit kya raha hai और इस budgeted साल में क्या रहने का अनुमान है इसके साथ ही we have also presented the absolute figures, कुछ absolute figures अगर आप देख सकते हैं तो आई जस्ट रीड आउट हमने राउंड फिगर्स लिए हैं आपको राउंड फिगर्स ही याद रखने हैं आई हैव गिवन दीज एब्सोल्यूट फिगर्स एग्जैक्ट फिगर्स जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ये क्लैरिफिकेशन हो जाए जैसे यहाँ पर आप रेवेन्यू सब की नंबर्स वाला चार्ट देखिए वहाँ पर सबसे राइट right में लास्ट कॉलम देखिए ट्वेंटी ट्वेंटी की नंबर्स में रेवेन्यू डिफिसिट एप्सोल्यूट फिगर्स में है बीस लाख बीस हजार नाइन हंड्रेड नौ सौ छब्बीस करोड़ हमने इसे राउंड फिगर में लिया है बीस लाख ,00 करोड़ ऐसे कैपिटल रसीद्स हैं दस लाख इक्कीस हजार तीन सौ चार करोड़ हमने इसे राउंड फिगर में लिया है टेन लाख ,00 करोड़ तो एक बार जस्ट गो थ्रू दीज एब्सोल्यूट नंबर्स कम टू द राइट साइड ऑफ ग्राफ और एक डेफिसिट में भारत में जो डेफिसिट रन हो रहा है अलग अलग प्रकार के डेफिसिट उसका चार्ट मैंशनड है आमतौर पर भारत अपनी जीडीपी का तीन से साढ़े तीन प्रतिशत का फिजिकल डेफिसिट मेंटेन करके चलता है इसके पीछे एक कारण भी है क्योंकि एक कानून है एफ आर बी एम फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो कि भारत सरकार को बाध्य करता है और राज्य सरकारों को भी बाध्य करता है कि वो अपने फिजिकल डेफिसिट को इसी रेंज के अंदर रखे इसके बारे में और आगे की क्लासों में विल टॉक करेंटली जस्ट सी द ग्राफ 2018-19 से लेकर दो हज़ार हम लगभग तीन से साढ़े तीन परसेंट की रेंज में अपना फिजकल डेफिसिट मेंटेन करके चल रहे हैं लुक एट दी रेवेन्यू डेफिसिट स्लाइटली इंक्रीजिंग फॉर दिस ईयर एस्टिमेटेज टू पॉइंट सेवन परसेंट इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट दैट इज रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट गिवन टू स्टेट्स फॉर कैपिटल क्रिएशन इट इज एक्सपेक्टेड टू बी वन पॉइंट एट परसेंट प्राइमरी डेफिसिट दैट इज फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट रिपेमेंट जो कि था आठ लाख करोड़ माइनस सेवन lakh crore that is 1 lakh crore that is about 0.4% of gdp so this is it about uh, the various deficits please uh, keep noting down whatever i have been speaking here it will help in better understanding the things

There is a probability that in prelims also such questions might come. Key fiscal deficit has advantage regarding A, B, C, D. That is why we would be looking at it here itself. But at the same time, it also covers some part of your mains. So, this is it for this lecture. Thank you.